कोविड-19 के बाद अब फिर एक बीमारी निकलकर सामने आ रही है जिसे मॉन्की पॉक्स कहते हैं। इस बीमारी के बारे में जान ले कि ये कोविड-19 की तरह वायरल इन्फेक्शन है, यानी ये इंसान से इंसान में फैल सकता है। अब तक यूरोप समेत कई देशों में इसके 100 से ज़्यादा केसेस सामने आ गए हैं। ये बीमारी बताया जा रहा है कि कई और देशों में भी फैल सकती है, जिसमें भारत भी शामिल है। जानते हैं इस बीमारी के सिम्टम्स यानी असरात और इसका इलाज क्या है। ये बीमारी सेंट्रल अफ्रीका में आम है। अफ्रीका के बाहर की बीमारी कुल 16 देशों में फैल चुकी है, लेकिन अभी के लिए राहत की बात यह है कि ये बीमारी कोरोना वायरस की तरह तेज़ी से नहीं फैल रही है। साथ ही ये बीमारी जिल से जिल के कॉन्टैक्ट पर फैलती है। अभी तक मॉन्की पॉक्स की कोई भी वैक्सीन मौजूद नहीं है, लेकिन स्मॉल पॉक्स यानी चीचक का टीका इस बीमारी से कुल 85% तक असरदार साबित हो सकता है, क्योंकि ये दोनों की डिसीजेस एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलती है। जानते हैं इसके सिम्टम्स यानी असरात हैं क्या। शुरू में इस बीमारी से बुखार, सरदर्द, सूजन, कमज़ोरी, पिट्ठों में दर्द और आम तौर पर किसी भी चीज़ का दिल ना चाहना शामिल है। इस बीमारी में जब बुखार जाता है तो इस तरह के दाने आना शुरू हो जाते हैं, जो पहले चेहरे पर आते हैं फिर पूरे जिस्म में फैल जाते हैं। बाद में ये दाने खुद ही ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये ख़तरनाक ज़ख्म छोड़ सकते हैं और दाग भी छोड़ जाते हैं। ये इन्फेक्शन आमतौर पर 14 से 21 दिन तक चल सकता है। जानते हैं ये आपको कैसे हो सकता है। कोविड-19 की तरह ये भी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है, यानी वो शख्स जो इससे ऑलरेडी इन्फेक्टेड है दूसरे को भी इन्फेक्ट कर सकता है। मॉन्की पॉक्स टूटी या फटी हुई जिल्द, सांस की नाली या फिर मुंह, आंख और नाक के जरिए बॉडी में दाखिल हो सकता है। जानते हैं इसका इलाज क्या है। अभी के लिए मॉन्की पॉक्स का कोई भी इलाज नहीं, लेकिन प्रिवेंशन इसका सबसे बड़ा इलाज है, यानी इसे रोका जा सकता है। आमतौर पर जिसको चेचक का टीका दिया गया हो वो अपने आप को इस बीमारी से 85% तक महफूज कर लेता है। बाकी आपको उन लोगों से बचे रहना है जो ऑलरेडी मॉन्की पॉक्स से इन्फेक्टेड हैं। आखिर में बात करते हैं ये बीमारी कितनी ख़तरनाक हो सकती है। आमतौर पर इसके असरात ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, जो खुद ही ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये बीमारी बढ़ भी सकती है। अब तक अफ्रीका में इस बीमारी से चंद लोगों की मौत भी हुई है, लेकिन इसकी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं की जा सकती है। लेकिन ये सिर्फ उसी हालत में हो सकता है जब कोई बंदा इस बीमारी पर थोड़ा सा भी ध्यान ना दे।